दस ग्यारह छाछठ की वाणी में दूसरे पेज के अंत में बात चल रही थी तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, और बाप तुमको माया से युद्ध सिखाते हैं। इसलिए शास्त्रों में उनका युधिष्ठिर नाम रख दिया है। इनका उनका इनका नहीं उनका युधिष्ठिर नाम रख दिया है। उनका माने किनका? भविष्य में पार्ट बजने वाला है बाप का। माया से युद्ध सिखाने वाला तो सुप्रीम सोल है, यह युधिष्ठिर है, है? माया से युद्ध सुप्रीम सोल को तो करना ही नहीं है। माया से युद्ध करना किसको है? तो जिसको युद्ध करना है वो ही सिखाने वाला है। डॉक्टर है तो डॉक्टर ही सिखाएगा, वकील है तो वकालत सिखाएगा। ये प्रैक्टिकल सिखाने की बात है। नाम क्या रखा? युद्ध स्थिर। युद्ध में स्थिर रहने वाला। माया पर जीत पाने के लिए युद्ध सिखाते हैं। कि ऐसे ऐसे युद्ध करो। युधिष्ठिर के अपोजिट में कौन दिखाते हैं? है? कौन? धृतराष्ट्र। युधिष्ठिर के अपोजिट में दिखाते हैं धृतराष्ट्र। राष्ट्र माना धन संपत्ति और धृत माना धारण कर ली। जितने सारी दुनिया की धन संपत्ति मान मर्तबा धर के रख ली उसका नाम पड़ा धृतराष्ट्र। गाया भी जाता है, माया जीते जगत जीत। दस नवंबर 1966 की वाणी का तीसरा पेज। तो देखना है कि कितना समय तुम्हारी जीत कायम रहती है, फिर हार कितना समय खाते हो। जितना जीत कायम रहती है उतनी राजाई की जीत पाते हो, और जितना हार कायम रहती है उतनी राजाई गवाते हो। ये बातें भी तुम समझते हो, और कोई इन बातों को समझ नहीं सकता। बाकी यहाँ कोई जिस्मानी युद्ध नहीं है। जिस्मानी युद्ध नहीं है। अगर जिस्म न हो, सिर्फ आत्मा ही आत्मा हो, तो युद्ध चलेगा? फिर क्यों कह दिया ये तुम्हारी जिस्मानी युद्ध नहीं है? देवान से परे की युद्ध है। फिर युद्ध करने की दरकार है?
अगर देवभान से परे हो गए तो युद्ध करने की कोई दरकार नहीं है। जैसे बाप बांधेली माताओं से कहते हैं, आत्मा बन जाओ। आत्मा ऊपर उड़ जाती है तो शरीर क्या हो जाता है? मुर्दा हो जाता है। तो तुम्हारी कोई जिस्मानी युद्ध नहीं है। कौन सी युद्ध है? रूहानी युद्ध है। ना देवताओं और ना पांडवों कौरवों की युद्ध होती है। कहते भी है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। ये भारत अभी झूठ खंड है। पहले सच खंड था। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो झूठ खंड बन गया है। ईश्वर के लिए कितना झूठ बोलते रहते हैं और कितने कलंक लगाते हैं। कहां की बात? क्यों ब्रॉड ड्रामा में कलंक नहीं लगाते हैं? भक्ति मार्ग में कलंक नहीं लगाते हैं? हैं? वहां भी कलंक लगाते हैं और कुछ उसकी शूटिंग यहां करते हैं। जिसको कलंक लगाते हैं उसको कहा जाता है कलंकी धरावतार। और सबसे जास्ती कलंक किसके ऊपर लगाते हैं? बाप के ऊपर लगाते हैं। उनके लिए कहते हैं कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, पत्थर भित्तर सब में ईश्वर है। इनके लिए नहीं कहते हैं। इनके लिए कहते हैं उनके लिए। कितनी गाली देते हैं। ये कोई सभ्यता है? बाप को इतनी गाली देते हैं तो देखो घोर अंधेरे में मनुष्य है। ज्ञान भी है, ज्ञान सूर्य प्रकटा, ज्ञान अंधेर विनाश। अभी ये अज्ञान का अंधेरा कहो, अंधेर कहो, विनाश होने वाला है। अब तुमको रोशनी मिली है। तुम जानते हो बाबा हमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाए रहे हैं। जो नॉलेज कोई और नहीं जानता है। बाप ही ज्ञान का सागर है। वो ही सदगति जाता है। ज्ञान से ही सदगति होती है। ज्ञान से ही मुक्ति होती है। और बाप के ज्ञान से सब की सदगति हो जाती है। बाकी जो खुद ही दुर्गति में खपड़ पड़े हुए हैं वो कैसे किसी की सदगति करेंगे? कौरव गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं समझती। ये कौरव तो शास्त्रों का अक्षर है। अक्षर का अर्थ क्या है? कौ माने कौआ, रव माना शोरगुल। कौओं की तरह बड़े बड़े मजमे इकट्ठे करते हैं और कांव कांव की शोरगुल करते रहते हैं। ये संस्कृत अक्षर है। कौरव है।
हिंदी और कांग्रेस है अंग्रेजी अक्षर। प्रजा का प्रजा पर राज्य तो है ना, ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य, ये ला के खिलाफ है। किसके ला के खिलाफ है? ईश्वरीय ला के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि राजाई की स्थापना बाप आकर के करते हैं, बाप के सिवाय कोई राजाई करना सिखाए नहीं सकता। राजयोग से बाप आकर के राजाई सिखाते हैं, बाप ने आकर के ऐसी दुनिया स्थापन की जहां राजाओं का राज्य होता था। और कौरवों के राज्य में क्या हो गया? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो गया। तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य बेकायदे राज्य क्यों है? क्योंकि वो है एक के द्वारा स्थापन किया हुआ राज्य, जो कायदे से राज्य है। एक राजा, एक धर्म, एक भाषा, एक मत। और प्रजा के ऊपर प्रजा के राज्य में अनेकता है, अनेक राजाएं हैं। जितनी प्रजा है वो सब राजाएं बन के बैठे, अनेक राजाएं हैं तो अनेक मतें हैं। जैसे हिस्ट्री में राजाएं हुए तो जो राजा आया उसने अपनी भाषा चला दी। तो भाषाएं भी अनेक होती है, राज्य भी अनेक होते हैं, धर्म भी अनेक प्रकार के हो जाते हैं। अब अनेकता में तो मुड़ फुट टाउन होगी ना, झगड़ा और मारामारी होगी ना। तो ये ला के खिलाफ राज्य है। बाप कहते हैं मैंने तो राजधानी स्थापन की थी, स्थिरियम की थी, ये तो राजधानी को हिलाते रहते हैं। जब देश की राजधानी ही हिलेगी तो बाकी सारे राज्य का क्या हाल होगा? सारे देश की गतिविधि देखनी हो तो दिल्ली की गतिविधि देख लो। इसलिए क्या बोला? दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो मैंने तो जमुना के कंठे पर दिल्ली में राजधानी बसाई थी, जहां एक लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो ये कौरव राज्य है, कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते रहते हैं कि हमारी ये प्लानिंग है, भारत ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन और ही हालत खराब होती जाती है। तो ये हुआ प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। इनको सावरेंटी नहीं कहेंगे,
ये तो पंचायती राज है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते। पंचायत आपस में ही लड़ झगड़ पड़ती है। अब तुम बच्चों को मैं राजाओं का राजा बनाता हूं, बहुत राजाएं होते हैं तो भी क्या हुआ है, तो भी लड़ाइयां होती है। अच्छा, बहुत राजाएं क्या त्रेता में नहीं थे है? त्रेता में थे, लेकिन त्रेता में जो राजाएं थे वो एक लाल ऑर्डर में थे। राम का राज्य कहा जाता था, फिर भी अनेकों को राज्य नहीं था। तुम जानते हो कि तुम पवित्र थे या पूजी थे, अभी पुजारी बने हो। पवित्र राजाओं को अपवित्र राजाएं पूजा करते हैं, इस बात की भी शूटिंग कहां होती है? संगम युग में तुम ब्राह्मण ही नंबर वार पवित्र बनते हो, नंबर वार संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता बनते हो। जो जो नंबर वार देवता बनते जाते हैं वो पूज्य बनते जाते हैं। जितना जितना पूज्य बनते हैं तो जो पूज्य न बनते हैं उनको उनकी पूजा करनी पड़ती है। सत्युग में डबल सिरताज थे, द्वापर कलयुग में तो सिंगल ताज होता है, अभी तो कोई भी ताज नहीं है। डबल सिरताज, एक ताज होता है राजाओं का और दूसरा होता है प्योरिटी का ताज। अभी तो ना प्योरिटी का ताज है ना स्थूल ताज है, संगम युग में सब शूटिंग होती है। संगम युग में स्थूल ताज की क्या शूटिंग होती है, है? जो जितना जितना यज्ञ की जिम्मेवारी का ताज उठाता है, यज्ञ माना ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ का मकसद क्या है? इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ का मकसद क्या है, एम ऑब्जेक्ट क्या है? प्योरिटी, पवित्रता के लिए जो जितना जिम्मेवारी उठाता है कि यज्ञ के अंदर ऐसी प्योरिटी बढ़े कि पांडवों का किला ऐसा मजबूत हो जाए जिसमें कोई भी विकारी पांव न रख सके, इस बात के लिए जो जितनी जिम्मेवारी उठाता है वो उतना बड़ा जिम्मेवारी का ताजधारी बड़ा राजा बनता है। अभी शूटिंग हो रही है, जैसे सत्युग में डबल सिरताज थे अभी फिर बनने जा रहे हैं। द्वापर युग में भिखारी राजाएं होते हैं तो उनको सिंगल ताज रहता है, प्योरिटी का ताज नहीं होता।
वो भी महाराजा महारानी जो सतयुग में होते हैं, और द्वापर में भी महाराजा महारानी, परंतु सतयुग के पवित्र महाराजा महारानी को द्वापर युग के पतित महाराजाएं माथा टेकते हैं। वो सतयुगी भारतवासी महाराजा महारानी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, वो ही भारतवासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले जो थे वो अब फिर बन रहे हैं। अभी बाप कहते हैं तुम्हारा इस मृत्यु लोक में ये अंतिम जन्म है, अभी मैं आया हुआ हूं, तुमको फिर से सतयुग में ले जाता हूं। लेकिन सतयुग में जाने से पहले ये मूसलों की लड़ाई 5-4 वर्ष पहले मिसल लगनी है, पहले भी लगी थी, उनसे ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। बाप समझाते हैं अभी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है, गृहस्थ व्यवहार को छोड़ करके नहीं भागना है, कमल फूल समान तुम ब्राह्मण बनते हो। कौन से ब्राह्मण बनते हैं है? तुम ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण की क्या परिभाषा हुई? जो बाप से सन्मुख पढ़ाई पढ़ते हैं वो नंबरवार आगे पीछे पवित्र ब्राह्मण बनते ही हैं, बनना ही पड़े। परंतु ये निशानी कमल फूल की ब्राह्मणों को नहीं दी है, किसको दी है? विष्णु को दी है। क्यों ब्राह्मणों को वो निशानी क्यों नहीं दी? क्योंकि ब्राह्मण ऊपर नीचे होते रहते हैं, जो संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं परिपक्व हो जाते हैं तो देवता कहे जाते हैं। अभी तुम सदैव एक रस नहीं रहते हो, बना जब एक रस हो जावेंगे तो तुम विष्णु के समान पवित्र देवता कमल फूलधारी बन जावेंगे। आज कमल फूल समान बनते हो, बहुत उमंग उत्साह में चलते हो, इतने उमंग उत्साह में चलते हो कि आप समान और आत्माओं को भी बनाए देते हो। 2 वर्ष के बाद फिर पतित बन पड़ते हो, तुम ब्राह्मणों का ये है सर्वोत्तम कुल, ये ब्राह्मण चोटी के हैं। फिर पुनर्जन्म लेते लेते देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, देवताओं को मस्तक के समान दिखाया जाता है, क्षत्रियों को भुजाओं के समान दिखाया जाता है, और विराट रूप में वैश्यों को जो विशेष बन पड़ते हैं उनको जंघाओं अथवा पेट के समान दिखाया जाता है। सूत्रों को पांव समान,
फिर तुम शूद्र से हट से देवता बन पड़ते। ये बायजोली तुम ही खेलते हो और धर्म वाले ये बायजोली नहीं खेलते हैं। माना एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु की बायजोली ये तुम्हारी यादगार है और धर्म में कन्वर्ट होने वालों की यादगार नहीं है। तो ब्राह्मण तो चोटी तो जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो बाबा हमको पढ़ाए रहे हैं। क्या कहा, कौन समझते हैं? तुम ब्राह्मण और जो कम कला के ब्राह्मण बनने वाले हैं उनको संशय आ जाता है अथवा समझते ही नहीं है कि बाबा हमको पढ़ाए रहे हैं। वो क्या समझते हैं? है वो उनको कौन पढ़ाए रहा है? वो समझते हैं हमको दीदी दादी दादाएं पढ़ाए रहे हैं। दीदी दादी दादाओं को भगवान ने पढ़ाया। लेकिन यहां मुरली क्या बोलती है? तुम समझते हो कि बाबा हमको पढ़ाए रहे हैं। तो ऐसे बाप को फारकती थोड़े ही देनी चाहिए। बाप कहते हैं आश्चर्यवत मेरा बनंती सुनंती फिर भागंती हो जाते। माया के बनंती ट्रेटर बनंती मेरी निंदा करावंती। बहुत ऊंची संस्कृति। इसको कहा जाता है सदगुरु का निंदक स्वर्ग में ठौर न पावे। स्वर्ग कौन सा स्वर्ग? ऊंचे से ऊंचा स्वर्ग कौन सा होता है? सतयुग में पहले जन्म में दूसरे जन्म में चौथे जन्म में या संगम युग में? बाप कौन से स्वर्ग का लक्ष्य देते हैं? संगम युगी स्वर्णिम युग का जो ऊंचे से ऊंची प्राप्ति है नर से डायरेक्ट नारायण बनना। तो सदगुरु का निंदक ठौर ना पावे। कहां? कौन से स्वर्ग में? वो संगम युगी स्वर्ग में जहां ऊंचते ऊंच पद बनता है जो डायरेक्ट बाप से ऊंचते ऊंच वर्षा लेने वाले बनते हैं। क्योंकि सतयुग के पहले जन्म में जो वर्षा लेने वाले होंगे वो भगवान बाप से डायरेक्ट वर्षा नहीं लेंगे। किससे वर्षा लेंगे? देवताओं से वर्षा लेंगे। तो क्या उन्होंने ठौर नहीं पाया? क्या उन्होंने कोई ग्लानी कराई? अच्छा, राधा कृष्ण जैसे बच्चे जो संगमयुगी स्वर्ग में नहीं होते हैं सत्युग में होते हैं। इन आंखों से स्वर्ग नहीं देखते हैं। देवताई जन्म लेकर के नई दुनिया को देखते हैं। तो क्या कहें कि उन्होंने कोई निंदा कराई?
अरे राधा कृष्ण अथवा राधा कृष्ण जैसे बच्चे जो सतयुग में जन्म लेने वाले हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं, जो इन आंखों से स्वर्ग नहीं देखेंगे, डायरेक्ट पाप से वर्षा लेने के अधिकारी नहीं बनेंगे, क्या वो सतगुरु निंदक ठौर न पावे कि लिस्ट में आते हैं? नहीं नहीं आते। हाँ आते हैं। ये क्या दो मतें हो गई है? नहीं आते। सतगुरु की निंदा नहीं कराई? कराई। अगर कराई तो कैसे कराई, और नहीं कराई तो कैसे नहीं कराई? अभी भी जो मूल बात है, गीता का भगवान, वो गीता का भगवान जब तक बुद्धि में नहीं बैठा है कि गीता का भगवान कौन, साकार में, प्रैक्टिकल में, क्योंकि गीता पति भगवान कहा जाता है, पति का संबंध बनता ही तब है जब साकार में पार्ट बजावे। तो गीता पति भगवान कौन सी सोल है, कौन सी आत्मा के लिए ये बात बोली गई है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है? वो तो कह देंगे शिव तो बिंदु का नाम है, शिव ज्योति बिंदु निराकार गीता का भगवान है, चित्र भी बनाए के रख देंगे, रख दिया। एक तरफ गीता का भगवान ज्योति बिंदु शिव को बताए देते हैं चित्र में, और दूसरी तरफ कृष्ण का चित्र रख देते हैं कि ये गीता का भगवान नहीं है। तो बात हलो हो जाएगी? क्यों नहीं हलोगी? क्योंकि वो ज्योति बिंदु जो चित्र बना करके रख दिया है शिवलिंग में, ज्योति बिंदु बना करके रखने वालों ने उसका अर्थ नहीं समझा। अगर समझा हो तो वो चित्र न बने, क्योंकि जो लिंग रूप है वो अलग चीज है, और उसमें जो बिंदु है वो अलग चीज। बिंदु है सुप्रीम सोल, और लिंग है साकार स्वरूप की यादगार, जो ज्ञान के रोशनी से भरा पूरा है, ज्ञान का सागर कहा जाता है। जिसको शिव के साथ मिला करके एक कर दिया गया, दूसरे 33 करोड़ देवताएं हैं उनको शिव के साथ मिलाकर एक नहीं किया गया, अष्ट देवताएं हैं उनको भी शिव के साथ मिलाकर एक नहीं किया गया, बड़े से बड़े ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव हैं उनको भी, ब्रह्मा को भी नहीं मिलाकर एक किया, विष्णु को भी मिलाकर एक नहीं किया, उन त्रिदेव में से सिर्फ एक देव है जो क्या कहा जाता है, देव देव महादेव, देव ब्रह्मा देव विष्णु, और उनसे भी बड़ा महान है महादेव, उसको शिव के साथ मिलाकर एक कर दिया। ऐसे चित्र भी बनाते रहते हैं, 3 पुरियों के चित्र बनाते हैं,
तो जो ऊंचे से ऊंची पुरी है कौन सी? शंकरपुरी नाम दिया है। वो सबसे नजदीक किसके है? परम धाम के सबसे नजदीक है। विष्णुपुरी परम धाम से फिर भी दूर है और ब्रह्मापुरी पांच तत्वों की दुनिया के नजदीक है। वो तीन धाम दिखाए गए हैं जहां से तीन धामों का सृजन होता है। कौन कौन से धाम? दुख धाम, उससे ऊपर सुख धाम विष्णुलोक, और उससे ऊपर शांति देवा कहा जाता है। क्या देवा? तो शांति देवा होगा तो स्वयं शांति स्वरूप हो, शांति धाम के सबसे जास्ती नजदीक हो, तब तो दूसरों को शांति देवा बनेगा। शांति धाम है ऊंचे से ऊंचे लोग, उसके बाद नीचे आते हैं सुख धाम, और उससे नीचे आते हैं तो दुख धाम। ये बीज हो गए। शांति धाम का बीज, सुख धाम का बीज और दुख धाम का बीज। यज्ञ के आदि से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? तीन आत्माएं, माँ निमित्त बनी, बाप निमित्त बना, और बच्चों में बड़ा बच्चा कौन है? कौन? अरे जो निमित्त बने विनाश के, तो बच्चे भी निमित्त बने, उन बच्चों में बड़ा बच्चा कौन? कृष्ण बच्चा। अगर न निमित्त बनते तो स्थापना आदि में ही हो जाती या देर लगती? आदि में ही स्थापना हो जाती, लेकिन ड्रामा बना हुआ है, शूटिंग भी तो होनी है। सब आत्माओं के अपने अपने पार्ट भी तो डिक्लेयर होने हैं। तो यज्ञ के आदि से ही सदगुरु निंदक ठौर न पावे का फाउंडेशन पड़ गया। कोई इन बातों को सुनेंगे तो बवाल मचावेंगे। बवाल क्यों मचावेंगे? बात सच्ची है या झूठी है? बात तो सच्ची है। सदगुरु सदगति करने वाला है, और सदगुरु साकार होता है, दलाल बनता है ना। सदगुरु मिला दलाल, तो साकार रूप में जब सदगुरु आता है तो दलाल बन करके आता है, सदगति देता है, नंबरवार सदगति होती है, कैटेगरीज बन जाती है। चौरासी जनों में जो परम धाम से नीचे उतरने वाली आत्माएं हैं,
वो 84 प्रकार की आत्माएं नीचे उतरती है। और उन 84 जन्म लेने वालों में भी सबसे ऊंची सदगति किसकी होती है, है? जो 84 जन्म पूरे लेने से भी परे चले जाते हैं, जहां सिर्फ चढ़ती कला है, उतरती कला का नाम निशान नहीं होता। राधा कृष्ण जैसे बच्चे वो फिर भी इंद्रियों का सुख भोगेंगे, इंद्रियों का सुख भोगेंगे तो कुछ न कुछ उतरती कला में जाएंगे। उससे पहले की जो जनरेशन होगी वो वाइब्रेशन से होगी, उस वाइब्रेशन की दुनिया में स्थूल रूप में शरीर के मिलन की कोई बात नहीं होगी। 5 तत्वों से एकदम परे की दुनिया, परे का वाइब्रेशन, इतनी सदगति, इतनी बुद्धि सदबुद्धि बन जाती है। ऐसी स्टेज में आने वाले बच्चे प्रकृति जीत कहे जाते हैं। प्रकृति के जो 5 तत्व हैं वो उनके ऊपर हावी नहीं हो सकते। अभी दुनिया का सबसे जास्ती विनाश करने की क्षमता किसमें होगी? एटम बम फोड़ने वालों में होगी, माया में होगी या प्रकृति में होगी? माया तो फिर भी चैतन्य है, माया रावण का चित्र होता है, चित्र है तो जरूर चरित्र करने वाले भी होते हैं। माया आई कहते हैं ना, माया आ गई तो जो माया आती है वो कोई ना कोई स्त्री अथवा कोई ना कोई पुरुष के रूप में आती है, पदार्थों का भी रूप लेकर के आती है। तो माया और प्रकृति ये विनाश के टाइम पर बहुत हावी हो जाएंगे। उनमें भी प्रकृति का जो तांडव नृत्य होगा वो महाकाली का होगा। अच्छा, महाकाली जब तांडव नृत्य मचाती है तो उसके पांव के तले कौन दिखाया जाता है, है? शंकर जी को दिखाया जाता है। तो फिर है वो शंकर जी को पांव के तले क्यों दिखा दिया है? ये भक्तों की नजर में दिखाने के लिए दिखाया गया है या कोई और बात भी है? क्या बात है, है? हाँ, प्रकृति निमित्त है सारी दुनिया का परिवर्तन करने के लिए। एटम बमों से भी परिवर्तन होगा, लेकिन एटम बम मनुष्य की रचना है। और मनुष्य पुतला है,
भले कितना भी बुद्धिमान है, जड़त्व का पुतला, बहुत पावरफुल हथियार तैयार किया हुआ है बुद्धि योग बल से, लेकिन ऐसा बुद्धि जड़त्व में ही बन जाती है कि उस हथियार से स्वयं का ही विनाश हो जाता है और प्रकृति उससे भी बड़ा विनाश करने के निमित्त बनती है। बम फटेंगे तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। पांच तत्वों में मुख्य तत्व कौन सा है? पृथ्वी। बैलेंस बिगड़ेगा तो भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे और भूकंपों के आने से जो माया का पंप एंड शो दुनिया में फैला हुआ है, सौ सौ मार के मकान बनाए हुए हैं, लोग समझते हैं यही स्वर्ग है, वो सब ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाएगा। प्रकृति 5000 वर्ष का ये खेल खलास करने के निमित्त बनती है। उसके बाद क्या होगा? कुछ बचेंगे या नहीं बचेंगे? कैसे बचेंगे? क्योंकि भूकंप होता है तो बड़ी बड़ी महलमाड़ियां, अटारियां, इतने ढेर सारे मकानात गिर जावेंगे, तो सबसे जास्ती विनाश तो जनसंख्या का होगा भूकंप से। बचेगा कौन? वो बचेंगे जैसे आज की दुनिया में भी भूकंप होता है तो कोई कोई बच जाते हैं ना, मलबे में से कोई कोई जिंदा निकलते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है, भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली? भाग्यशाली। कभी कभी ऐसा होता है कोई खरोंच तक नहीं आती, तो ऐसे ही होना है। नरक की दुनिया के बीच तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देता हूं, तुम बच्चों को। राधा कृष्ण के लिए ये बात नहीं लागू होगी। क्या? कि राधा कृष्ण का जन्म नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग में होगा, तुम्हारे लिए बात लागू होती है। और शास्त्रों में उसका गायन होता है, कृष्ण कहाँ का वासी है? वैकुंठ का वासी। अंग्रेज शास्त्रों में भी है लॉर्ड कृष्ण, मुसलमान लोग भी उसे जन्नत कहते हैं, वो संगम युगी स्वर्ग की यादगार है। ये ऊंचा था ऊंचा लक्ष्य बाप आकर के हमको देते, वो उन बच्चों को मिलता है जो सदगुरु की निंदा कराने के निमित्त नहीं बनते। जोर से बोलो। यज्ञ आदि में कहना चाहिए कृष्ण फेल हो गया, राम फेल क्यों बोला? फेल तो सब होते हैं, कृष्ण का नाम कोई फेल पहले हो जाता है और कोई फेल बाद में होता है। कौन सा फायदे में रहता है और कौन सा घाटे में रहता है?
जो पहले फेल हो जाता है वो अनुभवी बन जाता है, क्योंकि मासिक परीक्षा में, तिमाही परीक्षा में, छमाही परीक्षा में फेल होता है और फाइनल में पास हो गया। दौड़ में भी ऐसे ऐसे होता है, दौड़ने वाले दौड़ते हैं, कोई धीरे धीरे दौड़ते रहते हैं और लास्ट में आगे नंबर ले जाते हैं। ऐसे ये भी दौड़ है पुरुषार्थ की। सच्चाई बहुत बड़ी चीज है, सच्चे दिल पर साहब राजी होगा। तो सदगुरु का निंदक स्वरत का ठौर न पाए, बाकी वो गुरु लोग तो हैं ही भक्ति मार्ग के। कौन से गुरु लोग हैं? ब्राह्मणों की दुनिया के कौन से गुरु लोग? दीदी दादिया और उनसे पहले, उनसे पहले कौन फाउंडेशन डालने वाला है? ब्रह्मा बाबा ने फाउंडेशन डाला ना, काहे का फाउंडेशन डाला? भक्ति मार्ग का डाला, ब्रह्मा बाबा ने डाला, ब्रह्मा बाबा ने डाला भक्ति मार्ग का फाउंडेशन है। हाँ, ये कि आदि में कोई माता निमित्त बनती है सुनने और सुनाने के लिए। इसलिए दादा लेखराज कृष्ण का नाम जो टाइटल पड़ा ब्रह्मा, वो तो टाइटल धारी ब्रह्मा हुआ, असली ब्रह्मा कौन हुआ? जिस ब्रह्मा के लिए गायन है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। जो ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, जो ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। अगर ब्राह्मण अभी भी भले एडवांस पार्टी में हो, अभी भी निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते रहते हैं, तो उनकी रात कहेंगे या दिन कहेंगे? रात कहेंगे। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है, प्रजापिता का दिन और प्रजापिता की रात नहीं गाई जाती है। इसलिए दिखाते हैं कि आसमान में 9 लाख सितारे, उन 9 लाख सितारों में एक अटल है और बाकी सब चलायमान है। जो एक अटल है उसका नाम ध्रुव तारा देते हैं। तो जो अटल है वो ही मुकर्रर और बाकी में भले रुद्रमाला के मणके। मुख लेने की याद गा रहे हैं, क्योंकि रुद्राक्ष में मुख बने हुए हैं, सबका मुख लिया है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सुप्रीम सोल ने, लेकिन मुकर्रर नहीं कहे जा सकते। तो जो मुकर्रर है वो ही सदगुरु है। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा है। इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। क्यों? जन्मों के चक्कर में नहीं, नहीं, एक शिव बाबा सदा कायम क्यों है? क्योंकि सत्य है, सत्य को कोई डिगाए नहीं सकता। और सत्य कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ और गॉड इज वन। सच्चा एक है और जो सच्चा है वो गॉड है। सच्चाई को ही गॉड कहा जाता है। ज्योति बिंदु वो तो किसी को आंखों से नहीं दिखाई देता, अनुभव में नहीं आने की चीज है,
लेकिन सच्चाई अनुभव में आने की चीज है। सच्चाई को कितना भी दबाया जाए, सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। सत्य बाप को स्वयं प्रत्यक्ष होने की दरकार नहीं है, वो स्वतः ही सिद्ध है। जो हल्के होते हैं वो अपने को सिद्ध करते हैं। सुप्रीम सोल उसे अपने को सिद्ध करने की दरकार नहीं, प्रत्यक्ष करने की दरकार नहीं। वो तो नारा देता है बच्चों को, क्या फादर सोस सन्स और सन्स सोस फादर। तो उस शक्ति को कौन प्रत्यक्ष करेगा? बच्चे प्रत्यक्ष करेंगे। पहले प्रत्यक्ष करेंगे क्या है? शक्ति बाप को जो बच्चे हैं वो पहले प्रत्यक्ष करेंगे या बाप पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा? बाप नंबर वार पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, अपने को गुप्त कर रखता है। इसलिए कहावत बनी हुई है, छुपा रुस्तम बाद में खुले। क्यों बाद में खुलता है? हैं? जो बच्चे हैं वो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, बच्चे नहीं है कच्चे हैं तो ग्लानी करते हैं। तो जो ग्लानी करने वाले हैं वो बाप की प्रत्यक्षता में मददगार नहीं बनते, अष्ट देव की लिस्ट में नहीं आ सकते। नष्ट देव बन सकते हैं लेकिन अष्ट देव नहीं बन सकते। वो गुरु लोग कहते हैं भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं, वो भी कहते हैं क्या सतगुरु निंदक ठौर न पावे। तो किस सदगुरु की तरफ इशारा करते हैं? वो अपने को मान लेते हैं कि हम ही सदगुरु हैं, हम ही नई दुनिया की स्थापना करने वाले हैं, हम ही दुनिया को परिवर्तन करने वाले हैं। और टाइटल धरा लेते हैं श्री श्री 108 जगतगुरु जी महाराज। अब सारे जगत का गुरु एक होगा या अनेक होंगे? भारत में ही चार मठ बने हुए हैं, चार मठों में चार जगत गुरु बैठे हुए हैं। नाम क्या रखाया हुआ है? टाइटल है शंकराचार्य। अरे चलो गनीमत है, शंकराचार्य ही नाम धराया, शिवाचार्य नाम नहीं धराया। वैसे नारा तो लगाते हैं शिवो हम, लेकिन टाइटल शंकराचार्य का लगाया हुआ। वास्तव में शिवाचार्य है, शंकराचार्य होता नहीं। शंकर क्या करता है? वो तो कुछ भी नहीं करता है, जो करता है वो कर्मेंद्रियों से करने की चीज नहीं है। क्या याद जो है वो कर्मेंद्रियों से नहीं की जाती है। जो असली करने का कर्म है, जो बाप आकर के सिखाते हैं, उसमें कर्मेंद्रियों से करने का कुछ भी नहीं है। कोई भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, वाचा से कुछ वाणी चलाने की दरकार नहीं। तो वाणी कौन चलाता है?
शिवाचार्य। इसलिए मुरली में पूछा है, शंकर और विष्णु गूंगे हैं क्या? बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? है? बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? है? नहीं बोलते। बोलेंगे नहीं तो सेवा कैसे होगी? है? ब्रह्मा बाबा की सोल बोलती है, जो ब्रह्मा है सो विष्णु बन जाता है, वो बोलता है। सेवा आकर के सदगुरु बनता है, जो सदगुरु बनता है उसको बोलने की भी दरकार नहीं है। क्या उनके लिए कहते हैं कृपा दृष्टि ही काफी है, एक सेकंड की झलक के लिए आत्माएं तरसेंगी। इसलिए मुरली में बोला हुआ है, आगे चल के इतनी तीखी दृष्टि देंगे कि तुम बच्चे टिक नहीं सकेंगे। गीता में इसके लिए क्या बोला हुआ है? अर्जुन ने क्या बोला? बस बस। हजारों सूर्यों से भी तेज हूं मैं है। अब ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं है। ये सदगति की निराली महिमा है। बुद्धि की सदगति होती है, बुद्धि ही दुर्गति में पड़ी हुई है। मन बुद्धि की जब सदगति हो जाती है तो फट से बुद्धि में बैठ जाता है। क्या गीता का भगवान कृष्ण नहीं है? गीता का भगवान दादा लेखराज उर्फ कृष्ण नहीं है? गीता का भगवान कहो, सदगुरु कहो, एक शिव बाबा। शिव ज्योति बिंदु नहीं, वो तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, बाबा नहीं है। वो कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो बाबा बनता है, और वो बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। एक जन्म भी उसका कम नहीं हो सकता। एक जन्म की तो बात छोड़ो, एक वर्ष भी कम नहीं हो सकता, एक दिन भी कम नहीं हो सकता। जब सृष्टि का विनाश होगा तो उसको कोई मरते हुए शरीर छोड़ते हुए देखेगा भी नहीं। इसलिए कह दिया है अमरनाथ। बाकी ऐसा दुनिया में कोई शरीरधारी होता नहीं है जो जो क्या हो जाए, शरीर से अमर हो जाए। ये शरीर जन्मता है तो मृत्यु को भी जरूर पाता है। ऐसे नहीं होता कि 5000 वर्ष का कोई शरीर होता हो। पांच हजार वर्ष का कोई शरीर होता नहीं। शरीर तो ये पांच तत्वों का बना हुआ पुतला, सभी को छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये गायन है, क्योंकि कोई ने अनुभव जैसा किया है वैसा ही गायन किया है। है सूक्ष्म सूक्ष्म क्या चलता है? सूक्ष्म लिंग शरीर शरीर सूक्ष्म लिंग देह जो होता है। सत्युग और त्रेता में सूक्ष्म शरीर नहीं होता,
यहाँ का जो है भक्ति मार्ग, यहाँ भक्ति मार्ग, यहाँ संगम युग में और द्वापर कलयुग में भक्ति मार्ग में सूक्ष्म शरीर बनते हैं 5000 क्योंकि अकाले मौत होती है। 5000 वर्ष की बात ही नहीं, कारण शरीर होता है, यहाँ भी है सत्युग त्रेता में भी रहेगा और द्वापर कलयुग में भी रहेगा। रिजुविनेट होता है, रिजुविनेट होता है ये शरीर, स्थूल साकार शरीर, साकार शरीर की बात है। जो रिजुविनेट होता है संगम युग में, सतयुग में रिजुविनेट होने की बात ही नहीं, वहां तो जन्म लेना पड़ता है दिव्य शरीर से, देवताई शरीर से, रिजुविनेट वहां नहीं होता। सर्प का मिसाल वहां का नहीं है, सर्प का मिसाल यहाँ का है। जैसे सर्प 3-4 बार खल त्यागता है, ऐसे हमारी मन बुद्धि की भी कायाकल्प 3-4 बार में होती है। मन बुद्धि की कायाकल्प होने के बाद शरीर का भी कायाकल्प के 4 आयाम, आखिरीन पूरा ही कायाकल्प हो जाता है। लेकिन वो स्टेज बनेगी तब जब बच्चे पहले बाप के धाम के वासी बनेंगे, जो दुख धाम है, जो ब्रह्मा का धाम है, जिसकी पूजा नहीं होती है, जिसके मंदिर नहीं बनते हैं, जिसकी मूर्तियां नहीं बनती है, उसके धाम में जब तक है तब तक सदगति नहीं हो सकती, बुद्धि की भी सदगति नहीं हो सकती और शरीर की भी सदगति नहीं हो सकती। इसलिए नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, बंबई में तो बहुत धंधा दूरी है, ऐसे छोड़े।